सबसे पहला स्टेप याद है? हाँ. ये चेक बन गया आपका? हाँ. तुम्हारा वंदना? हाँ, ये बाकी मैम. ठीक है, वो करो. सबसे पहले क्या किया हमने, मतलब ट्रेसिंग के लिए? Right. हाँ, सबसे पहले जो डिजाइन था उसका आउटलाइन लिया, उसका सबसे पहले हमने मेजर किया. हाँ, हाँ, मतलब हाँ हाँ ठीक. हाँ, उसके बाद जिस पे इसका डिजाइन का सेंटर पॉइंट लिया, जिस पे बना रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट लिया. राइट. प्लस दोनों को मिलाया. राइट. उसके बाद फिर हमने उसको टेप से एक तरफ डाल के फिर उसमें येलो कार्बन अंदर धीरे से लगाया. उसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी टेप किया. करेक्ट. फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना? उसके बाद हमें ध्यान रखना है ये कि ये जो लाइंस हैं, जो हम सीधी लाइंस हैं, उनको स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी है. छोटा छोटा डॉट्स के हिसाब से जाएंगे. बाद में उसको स्केल के साथ डाल. राइट. और क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लेंगे आउटलाइन, उसके बाद जो और एक जहां भी फिलिंग होगी, हाँ, वहां पर हम ये उसके जो इनसाइड वाले डिजाइन है उनको नहीं ट्रेस करेंगे. और सिर्फ आउटलाइन और लाइंस को हम वो एक पॉइंट से स्टार्ट करके मतलब एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस नहीं बनेंगे. वंदना, कोई भी डाउट? नहीं मैम, बिल्कुल यहाँ तक का क्लियर. ठीक है, ये वाली चीज़ करें. जैसे ही लाइंस तुम दोनों की हो जाती हैं उसके बाद वो करते हैं. अगर तुम लोग ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखते हो ना, क्योंकि मैं हमेशा सबको एक बात कहती हूँ, जिसकी ट्रेसिंग अच्छी नहीं है उसकी पेंटिंग कभी अच्छी नहीं बनेगी. अभी एक चीज़ का ध्यान रखना वंदना, ये लाइंस हो गई ना बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना. ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर हमारे को मानो ये ड्रॉप का डिज़ाइन देना है तो लोग क्या करते हैं, फटाफट ये वाला बनाया, ये कभी अच्छा नहीं आएगा. अगर बना रहे हो, बल्कि अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी चीज़ का अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, उसको अच्छी शेप में लेंगे. मैं यहाँ से आ रही हूँ, इसको पॉइंट के साथ दो. समझ आया? अभी ये वाला हमारे को नहीं लेना, क्योंकि इसके नीचे आपका वो आ रहा है, कलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, ये मेरे सीधे स्टोन्स हैं, ये मुझे कोन वर्क करना ही है. ठीक है, तो इसको आप ले सकते हो. समझ आया? अगर मैं पिकॉक भी ले रही हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करना बहुत इसकी ट्रेसिंग देखो कितनी खूबसूरत आई है. तो इतना आराम से काम लो, जल्दी नहीं हम. अच्छा, दूसरी बात, ये जो है डिजाइन, ये वॉल क्लॉक है. अच्छा, अब सबको तो वॉल क्लॉक नहीं बनानी है ना. तो हमने देखो उसमें वॉल क्लॉक में क्या किया, यहाँ जहाँ पे इनकी सुइयों के ये थे, सुई का निशान हटा दिया, वहां डिजाइन कर दिया. फिर ये जो 3, 6, 9, 12 बना है उसकी जगह कुछ भी फ्लावर जैसा दे दो. ठीक है, तो हमेशा किसी भी चीज को पूरी तरह मुझे कॉपी नहीं करना है. मैं एक आइडिया ले सकती हूँ कि मुझे ये चीज बनानी है, उसमें अपना, जब मेरा ये ऑनलाइन बनता है ना, तो जो मेरा 5 लोगों का ग्रुप होता है, आप जो भी काम कर रहे हो वो रोज मुझे भेजोगे, पर वो मुझे व्हाट्सएप पे आता है, एक साथ शेयर नहीं करने देती. नहीं तो जिसने सबसे पहले मेहनत की, बाकी सब उसका पका पका है, वैसे ही ले लेते हैं. लेकिन जब सबका बन जाता है तब हम उसे शेयर करते हैं कि सबने अपना आइडिया लगाया, किस किस ने क्या क्या किया. ठीक है ना, तो आप लोगों को भी यही करना है. तो ट्रेसिंग करते हुए जो जो ध्यान रखना है, सीधी लाइन कभी नहीं लगानी डॉट्स के साथ, ट्रेसिंग को हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, एक ही बार में जाओ. छोटी छोटी सी जो ये वाली चीज नहीं करेंगे लाइन करते हुए. अगर मुझे एक जगह से जाना है तो एक जगह से जाऊंगी, दूसरी जगह आ जाऊंगी. क्लियर? चलो ट्रेसिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोन वर्क स्टार्ट करेंगे.